दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नीरज बवानिया गैंग के कुख्यात बदमाश नवीन भांजा को गिरफ्तार किया है। नवीन भांजा की गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। सितंबर 2021 में रोहिणी कोर्ट के अंदर गैंगस्टर गोगी की हत्या के मामले में नवीन भांजा वांटेड चल रहा था। वो इस हत्याकांड की साजिश में शामिल था। स्पेशल सेल के डीसीपी संजीव यादव ने बताया कि पुलिस टीम को सूचना मिली कि नवीन भांजा मुजफ्फरनगर यूपी में मौजूद है। पुलिस टीम ने मुजफ्फरनगर टोल के पास से नवीन को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में नवीन भांजा ने खुलासा किया कि जुलाई 2021 में दिल्ली की मंडोली जेल के अंदर से गोगी की हत्या की साजिश रचने की शुरुआत हुई। नवीन ने पुलिस को बताया कि जेल में बंद गैंगस्टर ताजपुरिया के साथ नवीन बाली मुख्य साजिश करता है। इन्हीं के इशारे पर रोहिणी कोर्ट के अंदर गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ को 24 सितंबर को टिल्लू गैंग के दो हमलावरों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। डीसीपी बताया कि नवीन उर्फ भांजा ने टिल्लू ताजपुरिया के संपर्क से हत्या के लिए पिस्टल और कारतूस खरीदकर हमलावरों को उपलब्ध करवाए थे। साथ ही साजिश के तहत हथियारों को वकील की ड्रेस में रोहिणी कोर्ट में दाखिल होने में भी मदद की थी। जांच के दौरान पता चला कि नवीन उर्फ भांजा गिरोह के अन्य सदस्यों मिलकर अपने विरोधी गैंगस्टर अशोक प्रधान की हत्या करने की साजिश रच थे। अशोक प्रधान को कोर्ट की तारीख पर पुलिस हिरासत में ही मारने की साजिश रची जा रही थी। दोस्तों कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप कौन से गांव या शहर से हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर।